हार्पर कॉलिंस की प्रस्तुति बात पैसे की, मेहनत की कमाई से कराएं मेहनत। लेखक मोनिका हालन, अनुवाद मृदुला हालन, आवाज वसुंधरा बोस। सभी टैक्स पेयर्स को अर्पित, आप देते हैं कर तो चलता है देश। प्राकथन। आप पैसे को लेकर परेशान रहे हैं, शायद अभी भी हैं, संभवतः इसीलिए ये किताब सुन रहे हैं। पता नहीं क्यों अपने पैसे की बात करने से लोग इतना कतराते क्यों हैं। हम कितना बचाते हैं और कितना खर्च करते हैं, इस विषय पर हम कभी भी पूरी ईमानदारी से बात नहीं करते। हमने निवेश कहाँ किया है, किस शेयर से आशातीत लाभ हुआ है, इसकी बात खूब बढ़ चढ़कर भले ही कर लें, पर अनर्गल और गैर जरूरी खर्चों की आदत, जैसे दिन में दो दफा हम महंगी कॉफी क्यों पीते हैं, उनका जिक्र तक करना हमें गवारा नहीं। अपने निवेश को लेकर हमारी चिंता वैसी ही है जैसी अपने बढ़ते हुए वजन की। हम इस बात पर तो ध्यान नहीं देते कि संतुलित भोजन और निवेश हमारी रोजमर्रा की आदत में शुमार हो जाए, पर जब हमारा वजन बहुत बढ़ जाता है या बैंक में हमारा पैसा बहुत कम रह जाता है, तब हम इन पर सोचना शुरू करते हैं। समस्त वित्तीय व्यवस्था कमीशन पर आधारित है। ये कमीशन वाला पहलू आम आदमी के स्वतंत्र रूप से सोचने और फैसला करने के मार्ग को धुंधला कर देता है। इतने अनाप शनाप नियमों में से सही रास्ता ढूंढना ठीक वैसा ही दुश्वार है जैसे घनी झाड़ियों को मक्खन लगाने वाली छुरी से काटना। अंततः कुछ समझ ना पाने की हालत में हम भी शतुर्मुर्ख की तरह समस्या से आंखें बंद कर लेते हैं, सोचकर कि समस्या शायद है ही नहीं। इसी कारण मैं मोनिका की नई पुस्तक की प्रशंसा करता हूँ। ये पुस्तक हमें पैसे के विषय में पूरी ईमानदारी से बात करने के लिए प्रेरित करती है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि अभी तक हम जो भी बहाने बना रहे थे वो बस बहाने ही थे। अपने पैसे का सुचारू ढंग से विनियोजन करना सिर्फ अमीरों की ही बपौती नहीं है, ये सभी के धन रूपी स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने का तरीका है। मैं मोनिका को मिंट की सलाहकार संपादक यानी कंसल्टिंग एडिटर के रूप में जानता हूँ। आपसी बातचीत में मैंने हमेशा ये महसूस किया कि उनका पूरा ध्यान उपभोक्ता के हित पर रहता है। आर्थिक मामलों से जुड़े जटिल से जटिल सवालों की जड़ तक जाकर वो नियमों को आसान भाषा में अपने पाठकों या श्रोताओं को समझा देती हैं। पुस्तक के छठे चैप्टर में आपको इन बातों का जवाब मिलेगा। मोनिका कोई असाधारण आर्थिक प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है जो 16 साल की उम्र से ही ऊंचा लाभ देने वाले निवेश करती रही हैं। पैसे के बारे में पूरी ईमानदारी से बात करने की अपनी सलाह के अनुरूप वो स्वीकार करती हैं कि उन्होंने जिंदगी में निवेश करना बहुत देर से शुरू किया और शुरुआती वर्षों में अपने बचत लक्ष्य को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता था। उनका सलाह देने का अंदाज निराला है। पैसे की कमी से जूझते लोगों को हीन भावना से भरने की जगह वो उनको यह गुरु मंत्र देती हैं कि अगर वो ऐसा कर सकी हैं तो वो लोग भी कर सकते हैं। अतः सीधी सी बात है कि बात पैसे की एकदम अमीर होने की कोई स्कीम नहीं बताती, ना ही ये पुस्तक आपको कोई खास उत्पादन खरीदने पर जोर देती है। किसी भी स्कीम की पैरवी करने वाले लोग बात इस तरह से पेश करते हैं कि उनकी सलाह लेना अनिवार्य हो जाए, पर मोनिका का अंदाज एकदम अलग है। जब तक आप पुस्तक सुन रहे हैं वो आपके साथ है। आपने पुस्तक सुन ली, मोनिका का काम खत्म। अपने सुझावों के लिए मोनिका सैद्धांतिक तर्क मात्र नहीं देती। आप अपने पैसे की व्यवस्था उनके तरीकों से क्यों करें, इसके अनुरूप उदाहरण भी देती हैं। इक्विटी चैप्टर में इस तथ्य से जुड़े अनेक उदाहरणों से अपना पोर्टफोलियो बनाने जैसा कठिन काम बेहद आसान हो जाता है। ये उदाहरण मनोरंजक होने के साथ साथ वास्तविकता को भी बता देते हैं। पुस्तक का महत्व तकनीक के विस्तृत विवरण के कारण ही नहीं है। प्रत्येक चैप्टर के अंत में मोनिका ने आधे पृष्ठ के संक्षिप्त विवरण से उसे आसान बना दिया है। मोनिका ने अपने और अपने मित्रों के प्यारे उदाहरणों से इन धारणाओं को आसानी से समझा दिया है। अब अगर कोई फिक्स्ड इनकम उत्पाद या इक्विटी से जुड़ी बचत योजनाओं के बारे में अपना ज्ञान बखारता है तो आप उसके जाल में नहीं फंसेंगे।
बात पैसे की को लेकर मेरा उत्साह इस पुस्तक के बाजार में आने के समय के कारण भी है। अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं, आप किसी भी उम्र के हों, तो निवेश से पहले इस पुस्तक को सुनने का यही सबसे अच्छा वक्त है। इस समय भारत में डिजिटल परिवर्तन हो रहा है। 2015 में मैंने कहा था कि हम बैंकिंग व्यवस्था को व्हाट्सएप माध्यम में बदल रहे हैं। इसका क्या मतलब? आज आप एक मिनट में बैंक खाता खोल सकते हैं। एक ई-केवाईसी की मदद से सिर्फ अति आधुनिक सुविधाओं वाले बैंक ही नहीं, बल्कि आपके जाने पहचाने राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी आप मिनटों में खाता खोल सकते हैं। मोनिका ने अलग अलग 3 बैंक खातों की पैरवी की है। आई इसे खर्च करो और निवेश खाता। जिस काम के लिए आपको बैंक के 3 चक्कर लगाने पड़ते थे, आज बस 3 मिनट में आपका काम हो जाता है। पहले आपको खाता खोलने के लिए अपने पति की 3 प्रतियां, अपना पहचान पत्र यानी आईडी प्रूफ और अपने 3 हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती थी। आज बस एक ओटीपी यानी कि 1-time पासवर्ड से आपका खाता खुल जाता है। इतना ही नहीं, अपने सभी खातों की पूरी जानकारी एक UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऐप की मदद से कर सकते हैं। 3 खातों की 3 पासबुक्स को हर महीने नया कराने का झंझट ही खत्म। अब जरूरी नहीं कि आप बैंक का ऐप ही इस्तेमाल करें, का मतलब यही है कि आप सुविधानुसार कोई भी ऐप चुन सकते हैं। एक वक्त था जब म्यूचुअल फंड्स को सिर्फ धनाढ्यों के निवेश के लिए ही जाना जाता था। आज 500 रुपये महीने से भी इसमें निवेश किया जा सकता है। आज तो सोना भी डिजिटली बेचा जा सकता है। इंडिया स्टैक जैसी तकनीक ने आपके सोचने और काम हो जाने के बीच की दूरी को खत्म ही कर दिया। इस तकनीक ने कमीशन लेने वाले मध्यस्थों यानी कि बिचौलियों की जरूरत भी खत्म कर दी। इस पुस्तक में सुझाए गए सिद्धांतों के अनुसार एक दफा अपनी व्यवस्था स्थापित कर लें, दोबारा उसकी देखभाल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तकनीक आज हमें उस मोड़ पर ले आई है जहां बिना लिखत पढ़त, बिना कहीं आए जाए, बिना कैश हस्तांतरण के आप निवेश कर सकते हैं। सोचने और काम पूरा हो जाने की दूरी को कम करना निवेश के लिए आपको उकसाना भी है। इसके साथ ही यह तकनीक आपके खर्च करने की आदत को भी प्रभावित करती है। ऐसे ऐप्स भी हैं जो आपको गैर जरूरी चीजों की ई कॉमर्स खरीदारी करने को कहते हैं। इसके अतिरिक्त नई प्रक्रिया जैसे हाल ही में शुरू हुआ सामूहिक खातों का ब्यौरा आपको अपने पैसे की संपूर्ण जानकारी एक साथ दे देगा। इससे आपको सुविधा रहेगी कि अपने पैसे की स्थिति जानकर उसका विश्लेषण करके फैसला कर सकें कि मोनिका द्वारा सुझाई योजना के अनुसार आप कैसे योजना पर अमल कर सकते हैं। एक पीढ़ी पहले तक भी डिजिटल नेटिव निवेशक को ये आसान सी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। मैं आशा करता हूँ कि आप पुस्तक को रुचिपूर्वक सुनकर पैसे के विषय में ईमानदारी और पूरे आत्मविश्वास के साथ बात कर सकेंगे। ये पुस्तक सुनना शुरू करके आप उस दिशा में पहला कदम तो उठा ही चुके हैं। अब मेरा आप और आपके पैसों के बीच क्या काम? नंदन नीलेकणी। चिंता छोड़ो, योजना जोड़ो। आर्थिक सुरक्षा के लिए हम इस चिंता में लगे रहते हैं कि कहाँ निवेश करने से सबसे अधिक लाभ मिलेगा, परंतु सच ये है कि इसके लिए निवेश ही एकमात्र समाधान नहीं है। आवश्यकता है एक व्यवस्था बनाने की। वास्तव में हम जीवन भर यही सोचते रहते हैं कि हमने अपने पैसे का ठीक से निवेश नहीं किया। यही अपराध बोध हमें ये सोचने पर मजबूर करता रहता है कि शायद हम अपनी बचत को ठीक से निवेश नहीं कर रहे हैं। जब हम अकेले में सोचते हैं तो एक अजीब सा भय मन में पैदा हो जाता है। ये भय लगातार हमें सताता रहता है। हम ये सोचने लगते हैं कि हम सब कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं, या हमारे फैसले बिना सोचे समझे किए गए हैं, या जब हम अपने निवेश पर अधिक लाभ कमा सकते थे हम सोचते ही रह गए, या हम अपने और अपने बच्चों के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटा सके। अक्सर हमें एक और भी चिंता सताती है कि अपने बूढ़े होते माता पिता की देखभाल के लिए हमारे पास काफी पैसा होगा या नहीं। इसके अलावा एक और भय हमें घेरे रहता है कि किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए हम क्या करेंगे। यही सोच सोचकर हम अधिक नकदी घर में रखते रहते हैं। ये नकद पूंजी बढ़ती रहती है,
हमारी ये स्थिति भांपकर अचानक एक खिलाड़ी आकर हमारे सामने अधिक से अधिक लाभ कमाने की योजनाएं आकर्षक ढंग से रख देता है। ध्यान रहे, वो आपकी चिंताओं और अपराध बोध को अच्छी तरह जानता है। आपकी इस मनोस्थिति का फायदा उठाकर वो ऐसी ऐसी लाभकारी योजनाएं आपके सामने परोसता है कि आप उसके जाल में फंसते जाते हैं। आपके पैसे को वो अपने फायदे के हिसाब से कुछ योजनाओं में लगवा लेता है। फिर होता क्या है, अंततः आपको पता लगता है कि या तो आपका पूरा पैसा मारा गया या उस किए गए निवेश से मिलने वाला लाभ बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाले लाभ से भी कम होता है। इस पुस्तक में हम आपके पैसे के बारे में ही बात करेंगे। इसे सुनने के बाद आप अपने धन का निवेश इस तरह से कर सकेंगे कि जिंदगी की समस्त विषमताओं के साथ आप तसल्ली से जी सकेंगे। सही जगह निवेश कैसे करें कि चिंता स्वतः दूर हो जाएगी, कोई एक फॉर्मूला आपको बताने की जगह हम आपको एक मजबूत व्यवस्था बनाकर देंगे। आप अपने धन से जुड़े हर पक्ष को एक मनी बॉक्स के रूप में देखिए। आप जीवन भर जो कमाते हैं आपके मनी बॉक्स में भरता रहता है। एक सुखी शहरी जीवन जीने की आपकी इच्छा को आप इसी पैसे से पूरा करते हैं, जैसे रोजमर्रा के खर्चे, बच्चों की फीस, मकान का किराया, ईएमआई यानी कि विभिन्न ऋणों पर दिए जाने वाली महीने की किस्त, टैक्स, बीमे का प्रीमियम, छुट्टियों में कहीं बाहर जाने का खर्चा और इस तरह के तमाम खर्च। फिर भी महीने के अंत में मनी बॉक्स में कुछ ना कुछ बचा रह ही जाता है। इसी को आप बचत कहते हैं। भविष्य की जरूरतों के लिए आप इसी बचत को विनियोजित करते हैं। गुजरते वक्त के साथ नए खर्च आते रहते हैं, जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा, उनका विवाह, वे खर्चे भी इसी मनी बॉक्स से पूरे होते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब आप वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं और रिटायर हो जाते हैं। प्रत्येक प्राणी इस दौर से गुजरता है, आपके माता पिता, उनके माता पिता। अब आपकी मासिक आय का स्रोत अर्थात आपका वेतन खत्म हो जाता है, तब आपकी पेंशन शुरू हो जाती है। अब तक किए गए निवेशों से आय, ब्याज और लाभांश मिलने लगते हैं और ये मनी बॉक्स फिर से भरने लगता है। ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं कि इस मनी बॉक्स को निवेश से प्राप्त होने वाले धन को रखने का एक बॉक्स मात्र समझ लेते हैं। अब हम सोचना शुरू करते हैं कि इस धन को कहाँ लगाया जाए। जमीन खरीदें, शेयर खरीद लें या पेंशन योजना में पैसा लगा दें। कुछ ऐसा हो जो हमारी पैसे की चिंता को खत्म कर दे। यहाँ हम एक और गलती करते हैं। हमें सबसे पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि पैसा कहाँ लगाएं, पर हम यही गलती करते हैं। शायद ऐसा इसलिए भी कर बैठते हैं क्योंकि नित्य नई आकर्षक निवेश योजनाएं हमें ललचाती रहती हैं, जैसे बीमा कमीशन योजना या म्यूचुअल फंड आदि। अगला फैसला करने से पहले ये सोचना जरूरी है कि हमारा मनी बॉक्स कैसा हो। एक अच्छा मनी बॉक्स वो है जो आपके कैश प्रवाह को नियमित करने के साथ साथ आपकी बचत को भी सुरक्षित रख सके और आप आकस्मिक आई कठिन परिस्थितियों का सामना बिना चिंता के कर सकें। घर में अचानक कोई बीमार हो जाए, आपकी नौकरी चली जाए या कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाए। अचानक विपत्ति किसी भी रूप में आ सकती है। मनी बॉक्स में बीमे का एक महत्व है। पहले ये समझना जरूरी है कि ये महत्व क्या है। इसका उद्देश्य धन सर्जन नहीं है। अगर आप ये समझ लें कि बीमा आपके लिए जरूरी क्यों है, तो आपके लिए उपयुक्त बीमा योजना चुनना आसान हो जाएगा। अंत में हम निवेश की बात करेंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है, आप अपने पोर्टफोलियो में क्या शामिल करें। इस पुस्तक में हम आपको ये बताएंगे कि अपनी जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार आप अपना मनी बॉक्स कैसे बनाएं। ये किताब जल्दी अमीर बनने के नुस्खे नहीं सिखाती। इसका उद्देश्य आपको एक ऐसी व्यवस्था के विषय में बताना है कि आप अपने जीवन भर की कमाई के बारे में ऐसा निर्णय लें कि पूरे साल आप चिंता मुक्त रहें। अपना मनी बॉक्स साल भर में दो से ज्यादा दफा खोलने की जरूरत भी ना पड़े। इस सारी प्रक्रिया का नतीजा ये होगा कि आप अपनी सभी जरूरतें पूरा करने के साथ साथ अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए भी पैसा बचा सकेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है। ये अनोखा मनी बॉक्स बनाने में कम से कम 6 महीने तो लगेंगे ही। एक दफा ये बन जाए तो ऐसी व्यवस्था बन जाएगी जो अपने आप चलने लगेगी। हो सकता है कि कभी
We hope you enjoyed this preview. To continue listening to this audiobook on Google Play Books, use the link in the video description.